और आप लोगों को हम आज गाइड करेंगे कि आप लोग ज्यादा खाना क्यों खाते हैं, आप में से कौन ज्यादा खाना खाता है, और बिंज ईटिंग क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, काइको होता है, कौन करवा रहा है, किसकी साजिश है ये, क्या ये पाकिस्तान, छोड़ो छोड़ो, क्या की साजिश है ये, क्या इसमें किसी और ताकतों का हाथ है, आतंकवादी या वट एवर। एनीवेज, जोक्स अपार्ट, लेट्स स्टार्ट। The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So binge eating episode जो होते हैं, क्या होते हैं? Binge eating disorders, मैंने already बताया। जब आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओ, जब आप एबनॉर्मली लार्ज अमाउंट ऑफ खाना खा रहे हैं, स्ट्रेस ईटिंग कर रहे हैं, कंपल्सिव ओवर ईटिंग कर रहे हैं, उसको कहते हैं बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। और ये इसको लेकिन हर एक को कभी ना कभी तो होता ही है, जैसे मुझे भी है, लेकिन इसको बिंज ईटिंग डिसऑर्डर एक बीमारी बोलने के लिए ये एवरेज मिनिमम हफ्ते में दो बार होना चाहिए, हफ्ते में दो बार और 6 महीने तक। अगर 6 महीने तक हफ्ते में दो बार होता है तो इसको बीमारी बोलते हैं। कभी कभार इस तरह के खूंखार तरीके से खाना खा लेने को आप बीमारी नहीं बोलेंगे। कभी कभार लगा कि नहीं, आज तो मैंने इतना खा लिया कि पूछो मत, आपको बिंज ईटिंग डिसऑर्डर नहीं है। हफ्ते में दो बार और ऐसा लगातार 6 महीने तक हो रहा है तो उसको बिंज ईटिंग डिसऑर्डर बोलेंगे। ये कोई बीमारी नहीं है, डिसऑर्डर है, ऑर्डर से थोड़ी अलग हो गई चीज़। ये थोड़ी सी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, बीमारी मान लीजिए इस तरीके की है, और ये दोनों ही मैन वुमेन दोनों में हो सकती है, किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकती है। और इसके वजह से अनवांटेड वेट गेन हो सकता है, मोटापा हो सकता है, ओबेसिटी हो सकती है, और इससे क्या होगा, और ज़्यादा कंपल्सिव ईटिंग एक के बाद एक दूसरी ऐसी, कई लोग लगातार मोटे होते जाते हैं, कई लोग कंपल्सिव ईटिंग के बाद कंपल्सिव बहुत ज़्यादा फास्टिंग पे चले जाते हैं, बिंज ईटिंग करने लग जाते हैं, कई लोग बिंज ईटिंग करके फिर रिगर्जिटेट कर देते हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा पे चले जाते हैं। सो दीज आर अदर चीज़ें जो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट टू बी डिस्क्राइब्ड हियर, बट देयर इज थिंग। और ज़्यादातर लोग जिनको ये होता है बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, मोस्ट ऑफ द मेन एंड वुमेन आर सफरिंग फ्रॉम सम इमोशनल गिल्ट, डिसगस्ट और सम स्ट्रगल, इमोशनल स्ट्रगल ज्यादातर इन्वॉल्व होता है, बिकॉज दैट गिव्स यू मोर ऑफ अ सेटिस्फैक्शन, राइट, जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए उस पर्टिकुलर सिचुएशन के साथ डील करने के लिए। ज्यादातर लेकिन ये फीलिंग्स नेगेटिव होती है, नेगेटिव फीलिंग्स आर यूजुअली अकम्पनीड बाय बिंज ईटिंग, एंड ज्यादातर नेगेटिव होती है, लाइट उसके वजह से ये क्या होता है, फूड को एज अ आप हेल्प लेते हैं कोप करने के लिए। इसलिए भाई ज़्यादातर आपने लेडीज को देखा है आइसक्रीम खाते हुए, स्वीट्स खाते हुए, रोते हुए, राइट, जो टीवी में दिखाते हैं, जी हाँ वो सच है, वही बिंज ईटिंग होती है, वो लगा लगा के इतना इतना खा लेती हैं या बड़ा टब पकड़ के आइसक्रीम खा लेती हैं, ऐसा होता है, राइट। और यह कई बार एक विशियस साइकिल शुरू हो जाता है, थोड़ी देर के लिए आपके डोपामिन सीरोटोनिन वाले सेंटर स्टिमुलेट होते हैं बिकॉज ऑफ दैट हाईली टेस्टी फूड, और उसके बाद में वो वापस आप उस पर्टिकुलर इमोशनल स्ट्रेस के अंडर वापस आते हो, फिर लगता है और खाओ, फिर आते हो, फिर लगता है और खाओ, एंड यू बिकम मोटा। जी हाँ, आप हो जाते हो एक्सट्रीमली मोटा, मोटे होते जाते हो, फिर आपको गिल्ट होता है, फिर लगता है छोड़ो जिंदगी तो खराब हो ही चुकी है, कम से कम खा ही लेते हैं। सो दैट हैपन्स, मैनी पीपल थिंक लाइक दैट, और ऐसा हो जाता है। सो वॉट इज द रीजन, कॉज क्या भैया, इसका जड़ कौन है, इसका कारण, इसमें किसका हाथ है? सो इसमें जो हाथ है बहुत सारे फैक्टर्स का है। जी हाँ, नंबर वन फैक्टर इज बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल यानी हार्मोनल एबनॉर्मलिटी, जेनेटिक म्यूटेशन मैटर करता है। जेनेटिकली आप प्री डिस्पोज हो सकते हो दबा के खाने के लिए, जेनेटिकली आपका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो सकता है, स्लो हो सकता है। कंपल्सिव ओवर ईटिंग एंड फूड एडिक्शन भी जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है और हॉर्मोन्स पर डिपेंड करता है। फीमेल्स को हार्मोनल इम्बैलेंस में मूड स्विंग होती हैं, हंगर होता है, हंगर क्रैम्प्स होते हैं, क्रेविंग्स होती हैं जो प्रेगनेंसी में भी होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान भी होती है, वैसे भी हो सकती है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम वाले पेशेंट्स को ज़्यादा ही होती है। सो ये चीज़ें हॉर्मोन्स और जेनेटिक्स से डिटरमाइन, नंबर वन फैक्टर। नंबर सेकेंड फैक्टर इज योर साइकोलॉजिकल फैक्टर। व्हाट डू मीन साइकोलॉजिकल, मतलब जितने आप डिप्रेशन में हैं, जितने स्ट्रेस में हैं, जितने लो एस्टीम है आपका, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम है, आपका बिंज ईटिंग के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। आपका कोपिंग मैकेनिज्म बन जाता है ईटिंग,
राइट, और बिंज ईटिंग डिसऑर्डर होने लगता है, दूसरा कारण। थर्ड कारण है सोशल एंड कल्चर। आपके कई बार मान लीजिए ज़्यादातर लोग जो ट्रॉमेटिक सिचुएशन से गुजरे हैं, जैसे कोई सेक्सुअल अब्यूज़ हो गया, कोई सोशल प्रेशर हो गया कि भाई आपको पतले होना है, आपको पतले होना है, उल्टा वो मोटे हो जाते हैं, खा खा के बिंज ईटिंग करते हैं। नहीं तुम्हारी शादी है, तुम्हें पतले होना है, नहीं ऐसे करोगे तो फिर कैसे करोगे, है कि नहीं? दोज आर द थिंग्स विच एक्चुअली पुश यू हार्डर। बट ज़्यादा पुश कर लेने से बच्चा पहले नंबर पर नहीं आ जाता, उल्टा पढ़ाई नहीं कर पाता वो, उल्टा पढ़ाई नहीं कर पाता। सेम वे यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू अचीव व्हाट यू वांट टू अचीव एंड नॉट टू यू नो डिटोरिएट द कंडीशन, इफ यू नो व्हाट आई एम सेइंग। जी हाँ राइट। और ये सारी चीजें भी, ये प्रेशर, सोशल कल्चरल प्रेशर, दोस्तों का प्रेशर, कई बार तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ रही है भाई, तू तो छोटा है, तू तो भुटका है, तू तो सबसे छोटा है, लोग कहते हैं नहीं खाना खा लेता हूँ, खाने से शायद मोटा हो जाऊँ, हैवी हो जाऊंगा, राइट। कई बार सोशल प्रेशर, कल्चरल प्रेशर, राइट, कल्चर है कि रोज ये खाना ही खाना है, कल्चर है कि ये मीठा खा रहे हैं, तो भी होता है। सो देर आर थिंग्स लाइक दिस, आपका कल्चर, आपका सोशल, आपका इन्वायरमेंट मैटर करता है। तो ये तीन चीज़ें हैं, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल एंड कल्चर मैटर, जो आपको कॉज करती हैं बिंज ईटिंग करने में। अब आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो कैसे पता चलेगा? जिसको बिंज ईटिंग डिसऑर्डर है उसको एम्बैरेसमेंट होगा, शर्म आएगी उसको अपनी ईटिंग हैबिट से, और वो ज़्यादातर इन चीज़ को छुपा के रखना चाहेगा, अकेले छुप छुप के खाएगा। अगर आप ऐसे करते हो तो थिंक अबाउट इट, अगर आपका दोस्त, आपके घर वाले, आपका कोई ऐसे करता है, देन थिंक अबाउट इट, राइट। फिर उसके बाद में बिहेवियर और इमोशनल साइंस होते हैं कुछ, जो आपको देखने को मिलेंगे उस पर्सन में जिसको बिंज ईटिंग डिसऑर्डर है। नंबर वन, वो जब भूख पेट भरने के बाद भी खाते रहना, नंबर वन साइन। सेकंड, अपने आप को रोक नहीं पाना, और जैसे ये खा लिया, दो खा लिया, एक आदमी एक ही बार खाता है, दो बार खाता है, वो चार चार पैकेट ले खाए जा रहे, चिप्स, कंट्रोल ही नहीं है, राइट। सो दैट इज वन साइन। कई बार खाने को बहुत ज़्यादा स्टॉक पाइल करके रखना, कि कबड़ ही कबड़ भरे पड़े उसी चीज़ से, मुझे तो ये बहुत पसंद है, मेरा तो फ्रिज ही आइसक्रीम से भरा पड़ा है, समथिंग लाइक दैट इज ऑल्सो एक साइन ऑफ दिस एबनो। कई बार अगर आपको ऐसा लगता है, कोई कोई साइन ऐसा भी है, लोगों के सामने तो नॉर्मल खाना, बस मैं इतने ही खाता हूँ और एंड ऑल, फिर पीछे जाके और खाना है, मुझे भूख लगी है, मुझे और खाना है, दैट इज ऑल्सो साइन, राइट। पीछे जाके यार छुप के बाद में जाके और खाना, दैट इज ऑल्सो वन साइन। एंड कई बार इसमें नमनेस होनी शुरू हो जाती है, जी हाँ, देर इज वन साइन ऑफ नमनेस, फीलिंग नमनेस, लैक ऑफ सेंसेशंस वाइल बिंजिंग, खाना खाते समय, राइट। और आप कभी, एक बहुत बड़ा है, कभी 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 भी भूख मरती नहीं है, कभी पेट भरता नहीं, ऐसा लगता है यार मैं तो कितना भी खा सकता हूँ, मेरा पेट भरता ही नहीं है, मैं तो कितना भी खा सकता हूँ, कभी सेटाइटी नहीं होती, सेटाइटी एक्सपीरियंस नहीं होता है, द स्टेट ऑफ बींग सेटिस्फाइड इज नॉट देयर, राइट, नो मैटर जितना मर्जी खाना खा लो। ये सब में से कुछ है तो आपको बिंज ईटिंग डिसऑर्डर है, राइट। और इसके कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे? आप मोटे हो जाओगे, आपको हार्ट की बीमारी हो सकती है, आपको डायबिटीज़ हो सकती है, आपको रात को नींद नहीं आएगी, इंसोमनिया हो सकती है, आपको स्लीप एपनिया हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हो सकते हैं, मसल जॉइंट पेन हो सकता है, गैस, पेट में गड़बड़ी, पेट अपसेट हो सकता है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसके वजह से शुरू हुआ डिप्रेशन एंड एंजाइटी वापस आ सकता है, और वापस क्या, वो कॉन्स्टेंट रह सकता है। सो बिंज ईटिंग इज नॉट बेस्ट थिंग, बिंज ईटिंग इज नॉट गुड। करना क्या है? ट्रीटमेंट, बहुत ज़रूरी ट्रीटमेंट इसका है, प्रोफेशनल सपोर्ट चाहिए इसका, हेल्थ प्रोफेशनल, जैसे कि न्यूट्रिशनिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, जी हाँ, ये तीनों चीज़ें में से आपको एटलीस्ट न्यूट्रिशनिस्ट और साइकोलॉजिस्ट और या दोनों में से साइकियाट्रिस्ट के पास एक बार जाना होगा, अपनी बात डिस्कस करनी होगी। द फर्स्ट स्टेप इन ट्रीटमेंट इज इनसाइट, यू शुड नो कि कुछ गड़बड़ है। कई लोगों को पता ही नहीं होता, यार मैं तो मोटा हो रहा हूँ बस, तो कई लोगों को इनसाइट ही नहीं होता कि मेरे में क्या प्रॉब्लम है, राइट। कई लोग होते हैं गाली देते रहते, गाली देते रहते, उनको पता ही नहीं कि हाँ ये मेरे में प्रॉब्लम है। कई लोग होते हैं जो बहुत गुस्से होते हैं, उनको लगता है मुझे गुस्सा है ही नहीं। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, इनसाइट नहीं आएगा कि मेरे में ये प्रॉब्लम है, हाउ कैन यू करेक्ट इट, हाउ कैन यू करेक्ट इट, यू कैनॉट करेक्ट इट अनलेस यू नो दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग। सो फर्स्ट इज इनसाइट, सेकेंड इज नॉलेज, नॉलेज और स्टेप वाइज, जिनको नहीं पता वो साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट आपको नॉलेज देंगे। मेडिसिन का इसमें कोई खास रोल नहीं है,
कभी कभार दी जाती है, डिप्रेशन और एनजाइटी और स्लीपलेसनेस और कॉम्प्लिकेशंस आ जाए तो, राइट? और आपको इमोशनल ट्रिगर्स को पहचानना, उसको अवॉइड करना, इमोशनल सपोर्ट सिस्टम बनाना फैमिली के अंदर, फ्रेंड्स के अंदर, सोशल सर्कल में जरूरी है। पॉजिटिव चीजों को देखना, नेगेटिव न्यूज, नेगेटिव चीजें, नेगेटिव लोगों को अवॉइड करना, झगड़े वगड़े छोड़िए, पॉजिटिव अच्छे सॉन्ग्स देखिए, राइट? इट्स इंपॉर्टेंट टू बी ऑल पॉजिटिव, बी ऑल पॉजिटिव इन लाइफ, देन ओनली आप इसको, इस नेगेटिव चीज को अवॉइड कर पाएंगे, राइट? प्लस विद द हेल्प ऑफ अ साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट एंड अ न्यूट्रिशनिस्ट, राइट? इट इज नेसेसरी टू कॉन्सेंट्रेट ऑन ऑल दीज थिंग्स। स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी को जब तक आप ठीक नहीं करेंगे, देर इज नो पॉइंट ऑफ यू नो ट्रीटमेंट। फिर अब ट्रीटमेंट क्या क्या होता है, साइकोलॉजिस्ट इसमें थेरेपीज यूज करते हैं। एक होता है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, CBT, दैट्स अ टाइप ऑफ थेरेपी जिसमें आपको हेल्प किया जाता है आपके थॉट्स और फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करने में, और वो कैसे आपके बिहेवियर को चेंज करते हैं उसको समझने में। दैट इज नॉट कोई शॉक है, पागल हो आप, शॉक देंगे हम तुमको, ऐसा कुछ नहीं। इट्स अ सिंपल टॉकेटिव थेरेपी, आपसे बातचीत होगी ताकि आप खुद को समझ पाओ, राइट? फिर इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी होती है विद विच यू फोकस ऑन इंडिविजुअल्स रिलेशनशिप, आपके इंडिविजुअल फैमिली के साथ रिलेशनशिप, दोस्तों के साथ रिलेशनशिप, वो आपको कैसे देखते हैं, आप उनको कैसे देखते हो, इसके बारे में डिस्कशन किया जाता है, इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी IPT। और देन डायलैक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी, इसमें क्या होता है, आपको स्ट्रेस और आपके इमोशंस को मैनेज करने, कोप करने के ऑल्टरनेटिव तरीके दी जाते हैं। हर एक पे एक ही चीज काम नहीं करती, इसलिए एक के बाद एक दी जाते हैं और देखा जाता है कौन सा आपको काम कर रहा है, कौन देगा, साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट। तो ये तीनों थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी, डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी, तीनों मिलके न्यूट्रिशन के साथ, एक्सरसाइज के साथ, सही नींद के साथ, सही लाइफस्टाइल के साथ आपको ठीक कर देंगे, सही पॉजिटिव अप्रोच के साथ। याद रखिए, एक ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट आपको ये कर सकता है, तो उनके पास जाने से घबराइए मत। ओवर ईटिंग इज नॉट अ डिजीज जो नहीं ठीक हो सकती, इट्स अ सिंपल एबनॉर्मलिटी। बच्चे को जैसे छोटे बच्चे को दो थप्पड़ मार के ठीक कर देते हो, बड़ों को थोड़ा समझा के ठीक होते हैं, तो आप बड़े हो गए, आपको समझाना पड़ेगा, समझ लेंगे तो ठीक हो जाएंगे, राइट? तो ये हुई बात सारी बिंज ईटिंग की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई भी सवाल है जरूर लिखिए, बहुत सारे सवाल जो कमेंट सेक्शन में आते हैं हम सारे की आंसर करने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू।